जी, मेरा नाम अली रज़ा मंगी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान। आज की इस वीडियो का टॉपिक या आज के इस ब्लॉग का टॉपिक है डिप्रेशन, मेंटल इलनेस। अभी हाल ही में खबर आई सोशल मीडिया पर कि बोलान मेडिकल कॉलेज के नौजवान ने इस एज में ड्यूरिंग स्टडीज सुसाइड कर दिया। ये पहली खबर नहीं थी सुसाइड की। पाकिस्तान में और कराची भर में कितने ही नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, ज़्यादातर जो रेशो है वो स्टूडेंट्स का है। इस टॉपिक पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी नहीं बोलता कि डिप्रेशन के ऊपर या मेंटल इलनेस के ऊपर। क्या कभी सोसाइटी ने वजह जानने की कोशिश की कि क्यों स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, क्यों इतनी मेंटल इलनेस बढ़ चुकी है या डिप्रेशन इतना बड़ा मर्ज बन चुका है कि लोग मौत को गले लगाने को तैयार हैं। अभी हाल ही में मॉडल अनम टनोली ने सुसाइड कर दिया। उसके पास दौलत थी, उसके पास शोहरत थी, उसके पास पैसा था, नेम फेम मनी तीनों चीज़ें उसके पास मौजूद थी, पर क्या वजह थी कि अनम टनोली ने सुसाइड कर दिया। लाहौर में रहने वाली अनम टनोली की जो लास्ट वीडियो सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई, तो उसमें वो ये कह रही थी कि जो बुलिंग की जाती है, जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी वजह से उसने सुसाइड की। और उसने खुद अपनी जान नहीं ली। कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी बनती है हमसे, आपसे, हम सब से मिलकर सोसाइटी बनती है, तो कहीं ना कहीं अनम टनोली का जो सुसाइड है वो हमने किया है। उसने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि हम सब ने मिलकर, हम सब के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उन सब ने मिलकर अनम टनोली की जान ली। उससे पहले अगर बात किया जाए मॉडल कंदील बलोच के कत्ल को, अगर देखा जाए उसके कत्ल केस को देखा जाए, तो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो न्यूज़ में आया है वो तो यही आया है कि उसके भाई ने गैरत के नाम पर मॉडल कंदील बलोच को कत्ल किया। लेकिन क्या वजूहात थी कि एक भाई ने अपनी सगी बहन की जान ले ली? मॉडल कंदील बलोच की वीडियोस पर जो कमेंट्स हम लोग कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, हमारी सोसाइटी कर रही थी वल्गर कमेंट्स, उनको पढ़कर या उसको डिफेम कर उसके भाई ने अपनी बहन की जान ले ली। कसूरवार उसका भाई था, खुद कंदील बलोच थी, या ये सोसाइटी थी, यह फैसला आप लोग करें कि अगर कंदील बलोच नाजिबा वीडियोस बनाती थी तो उनको देखने वाला कौन था? मैं था, आप थे, हम सब थे। और उन वीडियोस को देखने के बाद पूरी तरीके से एंटरटेन होकर उस पर नेगेटिव कमेंट्स, बुलिंग, क्रिटिसाइज हम सब ने मिलकर किया कि जिससे हमारे माशरे ने उसके भाई की ब्रेन वॉशिंग की और एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा इस सोसाइटी में सफ़र कौन करता है? सफ़र करते हैं स्टूडेंट्स, और सबसे ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा सफ़र करते हैं आर्टिस्ट। मोमिना मुस्तहसिन की एक वीडियो, एक म्यूज़िक सॉन्ग को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके अंदर अली गुल के नाम का एक सिंगर था जिसको उससे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया सोसाइटी की जानिब से, पॉलिटिशियंस की जानिब से। एक पेंटर की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक पेंटर था, उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई, सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे फ़ीडबैक लेना है सोसाइटी से, आवाम से, कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई है उस पर क्या फ़ीडबैक आता है। वो अमेरिका की एक सबसे ज़्यादा चलने वाली स्ट्रीट, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर अपनी पेंटिंग लगाई, साथ में एक बॉक्स लगाया और वहाँ पर लिखा कि इस पेंटिंग में जो जो कमी आपको नज़र आ रही है उसको सर्कल कीजिए। अगले दिन जब वो गया, उसने फीडबैक बॉक्स खोला, तो उसमें बहुत ज़्यादा पर्चीज मौजूद थी और उससे ज़्यादा सर्कल्स जो मौजूद थे वो पेंटिंग पर मौजूद थे। उसने कहा इतनी गलतियाँ मेरी ज़िंदगी की सारी मेहनत पर, कि इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की, एक शाहकार बनाया, अपनी पेंटिंग बनाई और आवाम ने इतना क्रिटिसाइज़ किया, मतलब इतनी गलतियाँ निकाली हैं। वो घर जाता है और अपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक को बताता है कि मैंने ये सारा सीन किया और उसका मुझे फीडबैक ये मिला है कि जो मेरी असली पेंटिंग थी वो कहीं छुप गई और वहाँ नज़र आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ सर्कल्स। तो उसके फैमिली मेम्बर ने उसे सजेस्ट किया कि आप ये करो कि एक और बेहतरीन पेंटिंग बनाओ, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी पेंटिंग का डुप्लीकेट बनाओ और उसी को उसी स्ट्रीट पर जाकर लगाओ और कहो कि जहाँ पर कमी है, जहाँ पर आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है, उसको आप खुद ही बेहतर बनाएं। पूरा दिन गुजर जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं, जब वो दोबारा पेंटिंग को देखता है तो वहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं हो जाता, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि लोग क्रिटिसाइज़ तो दो मिनट में कर लेते हैं कि भाई ये गलती है, लेकिन भाई उस गलती मैंने की है ना, अगर आप मुझसे बेहतर पेंटिंग बना सकते हैं आप बना कर दिखाएं, तो एक शख्स ने भी उससे बेहतर पेंटिंग नहीं बनाई। इसी तरीके से कि अगर हम मोमिना मुस्तहसिन के किसी गाने पर क्रिटिसिज्म तो लगातार
लिख रहे हैं कमेंट्स, मीम्स बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, लेकिन भाई मोमिना मुस्तहसिन ने जो गाना गाया है कोको कोरिना, सही है ना, अच्छे अच्छे गाने को ख़राब कर दिया ना। आप मोमिना मुस्तहसिन जैसा भी गा सकते हैं वो गाना, आप गाकर दिखाएं, उस वीडियो को अपलोड करें, फिर हम समझेंगे कि हाँ ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था। हमारे माशरे में यही होता है कि हम लोग उंगलियां उठाने वाले सब हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब हैं कि गलतियाँ निकालने वाले हम सब हैं, लेकिन उस गलती को आप अजाला करें। अगर आपको लगता है कि ये गलती आप उसको ठीक करके दिखाएं आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि मैं इससे बेहतर पेंटिंग बना सकता हूँ तो भाई आप उससे बेहतर पेंटिंग बनाएं और उस आर्टिस्ट को सिखाएं, तब समझा जाएगा कि ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। लिहाजा किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले इतना ज़रूर सोचिएगा कि कितनी मेहनत लगती है एक आर्टिस्ट को अपना आर्ट आप तमाम लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।